अबे तू 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, अब तेरी कोई तौबा नहीं, आखिरी सांस में आ जा, कबूल है। अबे तेरी 100 दफा टूट चुकी है तौबा, अब 101 दफा कबूल नहीं, 1 करोड़ दफा तोड़ के आ जा, कबूल है। करीम जात से वास्ता है, लेकिन करीम जात ने कुछ जाब्ते बनाए हैं, कुछ निजाम बनाए हैं, उसने यजीद और हुसैन को अलग किया है। एक सूदखोर भी कहे अल्लाह गफूर और रहीम है, रातों को शराब में टुन कहे अल्लाह पे माफ करेगा, रातों को मुसल्ले पे तड़पने वाला और शराब पीने वाला अल्लाह का कानून है, अल्लाह का निजाम। जुल्म और सितम के पहाड़ ढाने वाला और मजलूम बन के सिसक सिसक के जिंदगी गुजारने वाला कैसे बराबर हो? आंख का छलकना और जाम का छलकना अल्लाह बराबर कर दे, ऐसी अंधेर नगरी भी तो कोई नहीं है। हम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या नेक और बद में बराबर कर दूंगा? अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मालकुम कैफ तहकुम। इसलिए भाई बहनों, मामला बहुत आसान है अगर तौबा हो जाए, और जब गुनाह हो फिर तौबा हो जाए, जब गुनाह हो फिर तौबा हो जाए तो मामला आसान है। मुश्किल कब है? जब आदमी अकड़ जाए, अकड़ जाए, मामला खतरनाक है। लेकिन गुनाह के साथ तौबा हो, आसानी आसानी, माफी माफी है, क्योंकि वो है ही माफी को पसंद करने वाला। लिहाजा भाई बहनों, तौबा की आदत बनाओ। देखो, एक मामला अल्लाह और आपका, उसमें बड़ी गुंजाइश है, एक मामला बंदों और आपका, वो बड़ा औखा है। अल्लाह के वास्ते किसी के ऐब ना देखो, किसी की पगड़ी ना उछालो, किसी को बेइज्जत ना करो, किसी की कमियां ना पकड़ो, किसी पे तबसरे ना करो। ये बहुत खौफनाक केस है। नमाज छूट गई, ये इतना खौफनाक केस नहीं है। रोजा छूट गया, हज छूट गया, खौफनाक है, खौफनाक है। लेकिन ये डायरेक्ट अल्लाह के साथ है, जब चाहे माफ कर दो। लेकिन मेरा और आसिफ का जो मामला है, मेरा और सरदार साहब का जो मामला है, मेरा और आपका जो मामला है, ये बहुत खौफनाक है। इसमें कसा हुआ कानून है कि किसी को हकीर न जा। ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे अपने साथियों का, एक डाकू ऊपर बैठा था पहाड़ पर, चोटी पर। फलस्तीन में छोटे छोटे पहाड़ हैं, बड़े नहीं, तो उसकी नजर पड़ी, नूरे नबुवत देखा, तो उसको नदामत हुई। उसने कहा, यार लानत है तेरी जिंदगी, सारी जिंदगी डाकियां गुजारती, चल तौबा करते, नेक नबी दा साथ दे। उन्होंने कहा, अल्लाह मेरी पिछली माफ कर, मैं आ गया, नीचे उतरा, साथ हो लिया। ईसा अलैहि सलाम का एक सहाबी साथ जा रहा है, सहाबी। हर उम्मत का सबसे आला शख्स वो होता है जिसने नबी का फैज पाया हो। ये डाकू, ये सहाबी, उस सहाबी ने उसको यूं देखा, नफरत, अच्छा एक तो आ गया। एक तकब्बुर पैसे का होता है, एक तकब्बुर नेकी का होता है। ये पर्दे वाली औरतें बेपर्द औरत को यूं देखती हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने बेपर्दगी से भी बड़ी तबाही फैला थी। एक पैसे का तकब्बुर है, एक नेकी का तकब्बुर है। हम दीनदार लोग हैं, हम पर्दादार खवातीन हैं, ये बेगैरत बेहया हैं। और मैंने तो नाचने वालियों में भी अल्लाह की मोहब्बत को देखा। अब नसीम विकी की वालदा फौत हो गई, मैंने उसका जनाजा पढ़ा, तो सारे अदाकार इकट्ठे थे। मैंने थोड़ा सा अल्लाह के नबी का जिक्र किया, मैंने जितना उनको रोते देखा, मैंने आज तक किसी को ऐसा रोते नहीं देखा। अरे हर मोमिन के दिल में ईमान है। अरे अरफात वो मैदान है जहां मेरा अल्लाह कहता है, इतने गुनाह लाओ जितने बारिश के कतरे, और इतने लाओ जितने रेत के जर्रे, और इतने लाओ जितने दरख्तों के पत्ते, आके माफी मांगो, सब माफ करूंगा। लेकिन मेरे आज का माहौल, आज का दीनदार, वो किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। एक है मेरा आपका मामला, बड़ी एहतियात बरतो, किसी को हकीर न जानो, किसी की कमी न दिल में लाना, किसी के ऐब ना पकड़ना, किसी की पगड़ी ना उछालना, हर जगह मुंह पे मार दी जाएगी। यूसुफ बिन हुसैन एक बुजुर्ग गुजरे, बड़े खतीब थे, मुहद्दिस थे। जब इंतकाल होने लगा तो कहने लगे, या अल्लाह, एक मेरे पास दो नंबरी है और एक मेरे पास एक नंबरी है,
दो नंबरी तो ये है कि तेरे और मेरे दरमियान जो ताल्लुक था मैं उसे कभी ठीक ना कर सका, और एक तेरे और तेरे मेरे और तेरे बंदों के दरमियान ताल्लुक था उसमें मैंने कभी दो नंबरी नहीं की, मैं हमेशा एक नंबर पे रहा। या अल्लाह मेरी एक दयानत है एक ख्यानत है, मेरी दयानत के बदले मेरी ख्यानत को माफ कर। जब उनका इंतकाल हुआ तो वो ख्वाब में मिले एक दोस्त को, कहा आपके साथ क्या हुआ, कहा अल्लाह ने मुझसे खड़ा किया। कहा यूसुफ मरते हुए क्या कहा था, क्या कहा था, दोहराओ क्या कहा। कहे अल्लाह मैंने ये कहा था कि मेरे रब एक ख्यानत है जो मेरे और तेरे दरमियान रही हमेशा, मैं उसे ठीक ना कर सका। एक दयानत है जो मेरे और तेरे बंदों के दरमियान रही, मेरी दयानत के बदले मेरी ख्यानत को माफ कर। तो कहा यूसुफ बस तेरी ये बात हमें पसंद आई, जाओ माफ किया। मेरे नबी ने बड़े अजीब वाक्य सुनाया एक तो क़यामत के दिन दो आदमियों को कहेगा चलो जहन्नम की तरफ, तो एक दौड़ लगा देगा और एक चलते चलते पीछे मुड़ के देखेगा, फिर आगे जाएगा फिर देखेगा, तो अल्लाह दोनों को वापस बुला देगा। हाँ भाई तूने दौड़ क्यों लगाई, आगे देख नहीं रहे हो जहन्नम में। कहेगा या अल्लाह तेरी ना मानने की वजह से तो जहन्नम देखी, तो मुझे ख्याल आया आज ही तेरी मान लू शायद तेरी रहमत मुतवज्जे हो जाए। अच्छा भाई तू क्यों पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। कह या अल्लाह तेरे बारे में सुना था तू बड़ा मेहरबान है, तो मैं देख रहा था कि शायद तेरी रहमत कहेगी आजा, कोई नहीं आजा। तो अल्लाह कहेगा चलो तोड़ी गाली मैंने बड़ी चंगी लगी, जाओ जन्नत में चले जाओ। मामला तो ऐसी करीम जात से, एक आदमी की एक नेकी कम पड़ जाएगी, एक तेरी एक नेकी अगर बढ़ गई ना तो मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा। अब यूं है कहेगा चलो या अल्लाह मैं ले आऊंगा, अल्लाह कहेगा जा किसी को ले आ मैं तुम्हें जन्नत दे देना। वो या अल्लाह एक तो मैंने लब जानी, वो अपनी अम्मा अब्बा चाचे ताए बीवी बेगम बच्चे सब मुनकर हो जाएंगे, बना बा बना की पता असा उसे हेक तो थोड़ जावे, क्या पता साड़ी वो हेक थोड़ जावे, अजीदा नहीं दे दे अजीदा नहीं दे दे। कहेगा हाय मैं मर गया, तो एक आदमी उसकी हाय सुनेगा वो क्यों आया ही, कहे कि नेकी तू मार खा गया। कहेगा मौजा कर तेरा काम बन गया। कहेगा वो कैसे, कहेगा मेरे को है ही हिको तू ले जा मेरे कड़े कम तू ले जा, मेरे को होवे तामी आगे ना होवे तामी आगे या तू ले जा। वो छलांगे मारता हुआ है यार मेरा कम बन गया, अरे कैसे बन गया, कहा वो कहता मैं देता हूं, कहा उसको बुलाओ, उसको बुलाया जाए। अबे तुम इसको नेकी दे रहे हो, कह जी दे रहा हूं, क्यों दे रहे हो, कह या अल्लाह मेरे किसी काम मेरे लिए तो तेरा मैं एक नेकी नाल कीड़ी जन्नत ले सकता। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा आज मुझसे बड़े सखी बनना चाहते हो, आज मुझसे बड़ा सखी कोई नहीं है, चल तेरी सहावत पे तू भी जन्नत में जाए ये भी जन्नत। इस लिहाज से मामला बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर हम गुनाह पर तौबा कर रहे हैं तो मामला आसान है, गुनाह करके डट जाएं फिर मामला खौफनाक है। ये नेकी के तकब्बुर में या गुनाह पे अड़ जाना ये खौफनाक चीज है, लेकिन अगर हम माफी मांग रहे हैं तो मसला ही कोई। सबसे आसान काम है अल्लाह को राजी कर, सबसे आसान काम, चूंकि अल्लाह असद, अगर मैं आसिफ साहब को माफ नहीं करता क्यों कि मेरे दिल पर असर है, सरदार साहब मुझे माफ नहीं कर रहे क्यों कि मेरी ज्यादती का दिल पर असर है, इसलिए माफ करने में आदमी देर करता है। अल्लाह क्या कहता है, तुम सारे सजदे में गिर जाओ मेरे ऊपर कोई असर नहीं, तुम सारे पत्थर के आगे गिर जाओ मेरे ऊपर कोई असर नहीं, असर से पाक है। लिहाजा इधर मुंह से निकलता है या अल्लाह माफ कर, और उधर से जवाब आता है जाओ माफ कर दिया। इतना भी नहीं कहता है दोबारा तो नहीं करोगे, दोबारा तो नहीं करो, इतना भी नहीं कहते अबे फिर करोगे, जाओ माफ करो, जाओ माफ, मेरा बंदा मेरी बंदी तौबा का बर्तन तोड़ दिया आ जा जोड़ देता हूं, फिर तोड़ दिया आ जा जोड़ देता हूं, फिर तोड़ दिया आ जा जोड़ देता हूं, एक लाख दफा तोड़ा एक करोड़ दफा तोड़ा आ जा कैसे जोड़ता हूं, कैसे जोड़ता हूं,
कि ये जो जोड़ हैं नजर आएंगे, लेकिन मैं जब तेरी तौबा का बर्तन जोड़ूंगा तो कहीं जोड़ नजर नहीं आएगा, लगेगा तौबा टूटी ही कोई नहीं, ये तेरे किरामन कातबीन को भी नजर नहीं आएगा।